आज हम साड़ी पहन करके जा रहे हैं। चित्ती चित्ती भी यहाँ रोड पे खड़ा है, शायद मुझे पहचान नहीं रहा था इसलिए आवाज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने आवाज़ दे दी उसको। तो आप देख सकते हैं आज मैंने साड़ी पहन ली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माया व्लॉग CYP। दोस्तों आज है शिवरात्रि का दिन, तो आप लोगों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। आप लोगों का दिन सफल हो, मंगलमय हो और बहुत ही अच्छा बीते। आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। तो चलिए लेकर के आए हैं आपके लिए आज नया व्लॉग। मैं आज क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, वो सब आप पूरा दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। साथ ही में सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज सुबह का समय था, नाश्ता वास्ता बना करके हम तैयार कर दिए और देखिए वहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और नाश्ता बन गया था उनका, तो वो खा भी चुके हैं और टिफिन लेकर के जा चुके हैं जॉब पे। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं, पानी गर्म हो जाने के बाद नहाएंगे, नहा करके तैयार होंगे और जाएंगे मंदिर पे, क्योंकि आज शिवरात्रि है और आज के दिन सभी लोग मंदिर पे जाते हैं, पूजा करते हैं। फिलहाल मैं घर पे रहती थी तो बहुत अच्छे से हम लोग मनाते थे शिवरात्रि का पर्व, लेकिन यहाँ हस्बैंड के साथ बाहर हैं तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन और यहाँ पे कोई है नहीं, सिर्फ वही है हम हैं। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बस उनके लिए खाना बना करके तैयार कर दिया। वो टिफिन लेके जा चुके हैं, आएंगे शाम को ही। तो फ्रेंड्स कल तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, धूप भी निकली हुई थी, थोड़ा ठंड भी कम लग रही थी, लेकिन आज फिर मौसम वैसे ही हो गया। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम आ चुके हैं आंगन में, ये देख सकते हैं आप, ये है अगल बगल के घर और अंदर से आपको दिखाई नहीं दे रहा है कोहरा कितना पड़ा है। हम आपको लेकर चलते हैं बाहर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कोहरा पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है बहुत ज़्यादा दूर तक। ये इधर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा धुंध है, ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा, पूरा एकदम कोहरा कोहरा दिख रहा है, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। पानी गर्म हो चुका है तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, फुल वॉच कीजिएगा जरूर से और देखिएगा कि हम जा रहे हैं वहाँ का फुल व्यू दिखाएंगे, हम किसके साथ जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे और किस तरह से पूजा करते हैं वो भी दिखाते हैं, क्योंकि पंजाब में हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे शिवरात्रि मनाएंगे और घर की तरह तो नहीं मना पाएंगे क्योंकि बाहर रहने पे कुछ चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाती, एडजस्ट नहीं हो पाता, यहाँ पे जौ नहीं मिल रहा है, कल से ही परेशान है। हम लोग घर पे रहते थे तो जौ भी चढ़ाते थे, अब यहाँ पे जो जो सामान मिल जाएगा वो लेकर के हम जाएंगे। फिलहाल अभी हस्बैंड चले गए हैं जॉब पे, अभी वो एक दो घंटे में आएंगे, बोले हैं 1 घंटे में आएंगे, कुछ सामान लाना था उनको तो वो लेकर के आ जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नहाने के बाद। फिलहाल फ्रेंड्स हम रोड पे निकल गए हैं, आंटी वहाँ पे वेट कर रही है, देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है हमको, तो चलिए चलते हैं हम मंदिर पे और फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे मंदिर के पास। और आज हम साड़ी पहन करके जा रहे हैं। चित्ती चित्ती भी यहाँ रोड पे खड़ा है, शायद मुझे पहचान नहीं रहा था इसलिए आवाज़ कर रहा था बहुत ज़्यादा, मैंने आवाज़ दे दी उसको। तो आप देख सकते हैं आज मैंने साड़ी पहन ली है क्योंकि हम लोग कहाँ दिख रहे हैं। चलिए आंटी। तो फ्रेंड्स ये देखिए आंटी, हाँ उधर से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर वाले रास्ते पर और ये है इधर का व्यू, देखिए चारों तरफ खेती खेती हुई पड़ी है। आंटी के पाँव में दुख रहा है इसलिए आंटी धीरे धीरे आ रही हैं, मैं आगे आगे चल रही हूँ, थक गई हैं आंटी। तो चलिए फ्रेंड्स बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे मंदिर पे और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा क्या है इधर। फ्रेंड्स देखिए आंटी मंदिर के अंदर पहुंच चुकी हैं और ये कुछ खोज रही हैं, ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा इस तरह का है यहाँ, और मेरे हाथ में सामान है इसलिए मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही। तो फ्रेंड्स हाथ में सामान है बहुत ज़्यादा, इसके लिए मैं कुछ ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ, आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए आंटी जा रही हैं वहाँ मंदिर, इस तरीके से है आंटी अंदर जा रही हैं, चलिए हम भी चलते हैं अंदर।
मंदिर के अंदर जाने के बाद आंटी ने पूजा शुरू कर दी है और मैं जिधर से ले रही हूँ, कैप्चर कर रही हूँ, इधर पंडित जी बैठे हुए हैं, तो मंदिर के अंदर मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, और भी लोग थे तो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए मैंने ओवर वॉइसिंग की हुई है, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये हैं यहाँ के पंडित जी, यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे अगल बगल ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, भगवान की, काली मैया की भी हैं। आंटी अभी पूजा कर रही हैं, अब मैं भी बैठ रही हूँ लेकिन मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ क्योंकि यहाँ तो फ्रेंड्स पूजा आंटी जी की ख़त्म हो चुकी है, वो पूजा करके आ चुकी है और अब मैं भी यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ लेके नहीं गई हूँ और इस तरह से मैं जल्दी जल्दी पूजा हट गई और यहाँ पीछे भी कुछ लोग थे तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर लिया वहाँ पे। उनको तो घर से भी आप याद करेंगे तो भी वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो अगर आपके दिल में श्रद्धा है तो सब कुछ है, और श्रद्धा ही नहीं है तो आप मंदिर पे जाके क्या करेंगे। और देखिए यहाँ पे वहाँ बैठे हुए थे, कुछ पढ़ रहे थे, इसकी वजह से मुझे बोलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मंदिर में वैसे भी ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं तो इसके लिए हम नहीं कर पाए। ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने फूल तोड़ा था मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम आ चुके हैं मंदिर से वापस लौट करके और पूजा हम लोगों की हो चुकी थी, आ भी चुके हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं हम फिलहाल आंगन में, थोड़ा धूप लेते हैं क्योंकि ठंडे ठंडे रखे हैं, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इधर सामान रखिए अंदर। और अभी यहाँ पे देखिए बर्तन पड़ा हुआ है, बर्तन धुले बिना ही गई थी क्योंकि जाना था पूजा करने के लिए, सोचा आने की बात करूँगी। तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और आज मैंने साड़ी पहन रखी है आप देख सकते हैं, तो बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और वैसे तो हम साड़ी पहनते नहीं हैं लेकिन हम लोगों का ट्रेडिशनल क्लोथ साड़ी ही है, तो जब भी पूजा वाली बात होती है तो हम लोग पूजा में या फिर शादी ब्याह में ज़्यादातर साड़ी ही पहनना पसंद करते हैं, और मुझे भी साड़ी पहनना पसंद है, बस कैरी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा देर के लिए इसलिए साड़ी पहनती नहीं हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।